गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी और हम देख रहे थे हमारा जो चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है और आपकी बुक का पेज चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वाटर जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने देखा था। उसके बाद में देखा था कि वाटर की जो स्कार्सिटी होती है, मतलब पानी की जो कमी है, वो किस तरह से हमारे हो रही है, क्या क्या समस्याएँ आती है। उसके बाद में हमने देखा था मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और ये इसमें हमारे चलता रहा था, डैम्स चल रहे थे। ठीक है, और डैम्स के जो बेनिफिट्स थे, यूज़ जो थे ना, कि किस किस पर्पज़ के लिए जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, ये हमने देखा था। एक बार इसको हम वापस से देख लेते हैं। तो जो डैम्स बनाए जाते हैं, जैसे वाटर फ्लो होता है ना, उसको रोक के, ठीक है, तो जो भी डैम्स का पानी होता है उसको यूज़ किया जाता है वाटर सप्लाई में, इरीगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में और इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन में, फ्लड कंट्रोल में, बाढ़ आती है कहीं पे उसको रोकने में, फिशरीज जो मछली उत्पादन है, मछलियां पालते हैं, सूखे को कंट्रोल में, कहीं पे बारिश नहीं होती है, टूरिस्ट स्पॉट में। और एक हमने देखा था कि जो मॉडर्न इंडिया के जो टेम्पल्स है वो इन डैम्स को, मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स है उनको कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे, पीएम थे। उसके बाद में आज हम देखेंगे जो मेन हमारी जो बुक के अंदर जो डैम्स दे रखे हैं, जो प्रोजेक्ट दे रखे हैं मल्टीपर्पज़, कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाती है और जो हमारे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो हम बुक के अंदर से देखेंगे इसको कि कौन कौन से डैम्स या कौन कौन सी जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट रन कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जीक्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जैसे भाखड़ा नांगल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, ठीक है, और कोसी, टिहरी इज़ बीइंग डन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनको रन करती है। ठीक है, तो आज हम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डैम्स हैं उनके बारे में देखेंगे। चंबल प्रोजेक्ट राजस्थान का है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के है। ठीक है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। देखिए, आपको इसके जो नाम है ना वो ये ध्यान याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि जो चंबल प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो इस तरह से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम आज इसको सीधा बुक से देख रहे हैं। ठीक है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, MP और राजस्थान, इनकी कंबाइंड प्रोजेक्ट है। उसके बाद में मयूराक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। माही प्रोजेक्ट है वो गुजरात और राजस्थान का है। गंडक प्रोजेक्ट है बिहार एंड UP। मचकुंड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के हैं और ये जो है वो ऊपर वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो आपको ये चीज़ें हैं वो डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो याद में रखनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, वो सीधा यहाँ से जाता है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, आज हम सबसे पहले देखेंगे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा है। इसके लिए हम पहले एक बार, जैसे मैंने कल आपको बताया था वीडियो के अंदर, देखा था किस तरह से जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं वो वर्क करते हैं। तो ये आप एक डायग्राम देखिए, ये जो रिवर होती है, ठीक है, रिवर को रोकने के लिए, मतलब उसका जो वाटर फ्लो होता है वो हाई लेवल पे होता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए इस तरह से डैम बना दिए जाते हैं। और डैम्स के अंदर देखिए अलग अलग गेट्स बने होते हैं, ये हमने कल देखा था। गेट्स जो होते हैं ना, फिर उनको रिकमेंडेशन जरूरत के हिसाब से इनको खोला जाता है। ये इस तरह से सारे पिक्चर्स के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट दे रखे हैं। तो ये आज आपको दिखाने के लिए, जिससे आपको बुक से ईजिली समझ में आ जाए। ये नागार्जुन सागर डैम है, हीराकुंड डैम है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, नर्मदा डैम है। तो अलग अलग जो नदियाँ हैं उन पर अलग अलग टाइप के डैम्स बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो इसके मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है, ये हमने उसके बारे में देख लिया था कि क्या क्या इनके यूज़ होते हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। इट इज़ द बिगेस्ट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये जो हमारी जो कंट्री है उसका सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्रोजेक्ट है। विच हेड, जिसके अंदर क्या होता है, ये देखिए इसका एक पिक्चर में डायग्राम भी है। आप अपनी बुक के अंदर देखिए, पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ, 125। ठीक है, आपकी जो बुक है ना उसका पेज नंबर 125 है, उसके अंदर ये। तो ये इस तरह से प्रोजेक्ट है। ये देखिए, ये जो रिवर्स आती है, ठीक है, और ये रिवर जो होती है ना अलग अलग पोर्शन में होती है, उसके बाद में इससे कैनल्स निकलती है, इसकी ब्रांचेस निकलती है, जो आसपास के जो एरियाज होते हैं ना उनको इरीगेट करती है और वाटर जो उनको सप्लाई करती है। तो ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट समझने के लिए। तो ये जो भाखड़ा नांगल जो है वो स्टार्टेड हुआ था, जो भाखड़ा जो प्रोजेक्ट है ना,
ये भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था 1948 के अंदर और कंप्लीट हुआ था 1963 के अंदर एंड एस्टेब्लिश नियर, और ये कहाँ पे है, बिलासपुर के अंदर है। बिलासपुर कहाँ है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि ये रिवर्स प्रोजेक्ट होते हैं तो सतलुज नदी है वहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। सतलुज रिवर पे आपसे रिवर पूछेंगे तो सतलुज रिवर ये ध्यान में रखना है, और डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे और जगह पूछेंगे तो बिलासपुर, और स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इट इज़ जॉइंट वेंचर, और ये किस किस की जो जॉइंट वेंचर है, जैसे पंजाब हरियाणा और राजस्थान, ये जो तीन स्टेट है इन तीनों का कम्बाइंड प्रोजेक्ट है ये, मतलब इन तीनों को इनसे फ़ायदा मिलता है, इन तीनों के लिए यूज़फुल है ये। इट्स ऑब्जेक्ट इट इज़ गेट टू मिड पार्ट ऑफ द सतलुज एंड यमुना डेवलप इकोनॉमिकली थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसकी जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या है, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये जो क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिजली बनाने में काम आता है, इरीगेशन सिंचाई के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर भी इसका कुछ पार्ट है, तो ये हमारे लिए भी यूज़फुल है। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंडर टू डेम्स हैव बीन बिल्ट, इसमें दो डेम बने हुए हैं, जिसको एक अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, और अम्बाला कहाँ है, पंजाब में। द फर्स्ट डेम इज भाखड़ा डेम, ठीक है, विच इज़ 518.16 मीटर, ठीक है, 518.16 मीटर लंबा है और 226 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। भाखड़ा जो देखिए ये जो सतलुज रिवर है, ठीक है, इसके ऊपर दो डैम बने हुए हैं, सतलुज रिवर के ऊपर दो डैम बने हुए हैं अम्बाला के अंदर, एक तो है भाखड़ा और एक है नांगल, ठीक है। तो भाखड़ा जो है इसके बारे में बताया है, भाखड़ा फर्स्ट डैम है, वो इतना लंबा और इतना चौड़ा है। दिस इज़ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड, ये ध्यान में रखना है आपको, ऑनलाइन क्वेश्चन में सीधा आता है कि हाईएस्ट जो ग्रेविटी डैम है वो वर्ल्ड के अंदर है, जो सीमेंट और कॉन्क्रीट से बनाया गया है। द सेकेंड डैम हैज़ बिन बिल्ड इन 13 किलोमीटर डाउनवर्ड्स फ्रॉम द भाखड़ा डैम्स एंड इट पर्पज टू स्टोर द सरप्लस वाटर ऑफ भाखड़ा डैम, ठीक है। तो भाखड़ा जो डैम है ना, उसका वाटर है उसको फिर स्टोर करने के लिए भाखड़ा सरहिंद नांगल, ठीक है। तो ये एक नांगल जो है वो भी डैम बना हुआ है, तो दो डैम बने हुए हैं सतलुज नदी पर। बीस्ट डोम्स नरवाना केनाल्स, और इनसे जो है ना बीस्ट डोब दुआब एंड नरवाना केनाल्स, ये इनसे नहरें निकलेगी, ये केनल्स निकलती है जिससे आसपास का जो एरिया होता है उसको वाटर रिकवर किया जा सके। हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम दीज डेम्स एंड पावर हाउसेज हैव बीन बिल्ट एट कोटला रूपनगर एंड गंगवाल, और ये जो तीन जगह है यहाँ पे इनके पावर हाउसेज भी बने हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्ट करते हैं ना उसके लिए पावर हाउस भी बने हुए हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया इजीली कि भाखड़ा जो नांगल प्रोजेक्ट है ये हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। सतलुज जो रिवर है, ठीक है, ये सतलुज रिवर निकलती है हिमाचल से, ठीक है, और हिमाचल के अंदर यहाँ पे इस पर दो डैम बने हुए हैं, पंजाब के अंदर अम्बाला है वहाँ पे, भाखड़ा और नांगल दो डैम बने हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट था फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये जो देखिए हमने पिछला वाला देखा था, और ये जो है ना मेजर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये जो है इसकी वेंचर है वेस्ट बंगाल और झारखंड की कंबाइंड प्रोजेक्ट है, और ये स्टार्ट हुआ था 1948 के अंदर ऑन द रिवर ऑफ दामोदर नदी पे, ठीक है। इट्स ऑल्सो इज नाउन सोरो ऑफ बंगाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ऑनलाइन में कि सोरो ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, बंगाल का शोक, हिंदी में इसको बोलते हैं बंगाल का शोक, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जब बारिश आती है तो एवरी ईयर काफ़ी सारे लोग जो है वो पानी की वजह से मतलब डूब जाते हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए इसको सोरो बोलते हैं दुख, ठीक है, बंगाल का शोक बोलते हैं। तो ये वल्लाइन क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सी जो रिवर है उसको सोरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, तो दामोदर रिवर को, ठीक है। दिस रिवर वॉज नाउन द रूट ऑफ डाइवर्शन, रूट डाइवर्शन इरोजन एंड फ्लड इन बंगाल, ठीक है। तो ये किस कारण से, बंगाल में जो बाढ़ का कारण होता है ना उसके कारण इसको ऐसे बोलते हैं। आफ्टर फ्लोइंग 493 किलोमीटर्स इन बिहार एंड झारखंड एंड 240 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल, इतनी ये लंबी है। दिस रिवर फॉल इन द हुगली रिवर, ठीक है, ये हुगली जो नदी है वेस्ट बंगाल के अंदर उसके अंदर मिल जाती है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, बारकपुर, बोकारो एंड
कुन्नूर, ये उससे आसपास के एरिया की जो है नाम है, तो ये आपको ध्यान में रखने। आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर दामोदर, तो ये दामोदर नदी जो है उसकी सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, असिस्टेंट जो रिवर्स होती है उनको बोलते हैं, ठीक है। तो मेन इसके अंदर ये देखना है इस्टेब्लिश कब हुई थी और इसका जो मेन काम क्या है, ठीक है। तो ये जो दामोदर रिवर है वो जो लोग हैं बाढ़ से बचाने में, फ्लड जो है ना उनसे बचाने के लिए इस पे जो डैम का प्रोजेक्ट बनाया गया है, और इसको सोरो ऑफ बंगाल बोलते हैं। नेक्स्ट है दामोदर, ये रहा यहाँ से, अप्रोक्सीमेटली 18,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज अफेक्टेड बाय द फ्लड एंड इरोजन। जो इरोजन होता है ना, मिट्टी का अपनी जगह से कट जाना, ठीक है, या उसको बोलते हैं कोस्ट बाइट। तो इतना जो एरिया होता है ना वो इससे इफेक्ट होता है, बाढ़ आ जाती है एवरी ईयर्स। फॉर दिस रीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बनाया था, फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रेजेजी वैली अथॉरिटी। ये जो घाटी परियोजनाएं होती हैं वो अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने बनाया है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या था, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लोकल पीपल्स बाय द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों के जो है ना जीवन स्तर को सुधारना था, क्योंकि पानी की वजह से उनको काफ़ी समस्याएं आ जाती थी। रिवर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, और ये जो कंबाइंड प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल और झारखंड का, अंडर दिस प्रोजेक्ट मैथन एंड तिलियांस डैम्स, इस पर जो है ना मैथन और तिलियांस जो डैम बनाए हुए हैं बारह के कुन्नूर डैम्स ऑन रिवर कुन्नूर। यहाँ इसकी जो असिस्टेंट, देखिए ये दामोदर रिवर है, ठीक है, ये दामोदर रिवर है, आगे जाके हुगली रिवर में मिल जाती है। अब इसके अंदर जो असिस्टेंट जो रिवर्स मिलती है ना उनके ऊपर भी छोटे छोटे डैम्स बनाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी इसके अंदर मिलती है, इसका जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए कुन्नूर डैम ऑन द रिवर ऑफ कुन्नूर पे बनाया हुआ है। पंचफाड़ी डैम्स है वो दुर्गापुरा में बनाया गया है, ऑन रिवर दामोदर पे हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। तो ये जो वहाँ पे जो लोकल छोटे छोटे जो डैम्स बने हुए हैं उनके नाम बता रखिए। मैनी हाइड्रो पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, अलग अलग प्लांट्स बनाए हुए हैं, बीन एस्टेब्लिश इन द बोकारो। अब देखिए हाइड्रो प्लांट्स है वो कहाँ कहाँ लगे हैं, बोकारो के अंदर चंद्रपुर, तिलियान, मैथान, पंचेत, फैडी, दुर्गापुरा और एक्सटेंसिव कैनाल्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो एरिया है ना, यहाँ पे तो इन्होंने बिजली बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है उसको जनरेट करने के लिए प्लांट्स लगा रखे हैं, और कैनाल्स के नेटवर्क हैं, मतलब बहुत सारी नहरें हैं वो भी काफ़ी डेवलप की गई है, जिसे आसपास के एरिया के अंदर इरीगेशन कर सकते हैं या फिर वाटर जो है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम दो प्रोजेक्ट ही देखेंगे, एक तो भाखड़ा नांगल और एक हम ये जो देखा था, ठीक है, दामोदर वैली। अब इसी को हम वापस से इसमें रिवाइज करके देखते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हुआ था 1948 के अंदर और कंप्लीट हुआ था 1963 के अंदर। ये कहाँ पे है, बिलासपुर एरिया, ठीक है, हमने देखा था हिमाचल प्रदेश के अंदर बिलासपुर एरिया है जो सतलुज रिवर पर बना हुआ है। और इसके अंदर जो कौन कौन से स्टेट पार्ट लेते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मतलब इन तीनों जो स्टेट है ना इनके अंदर जो इसका जो पानी है उसको डिवाइड किया जाता है, या फिर इनके लिए जो प्रोजेक्ट्स है वो रन किए जाते हैं। तो हमारे जो राजस्थान है ना उसको भी इसका पानी मिलता है। उसके ऑब्जेक्ट मेन उद्देश्य क्या है, किन चीज़ों को लेकर इसको बनाया गया था, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इरीगेशन था, आसपास की जो एरिया है उसको सिंचित किया जा सके, कैनाल्स बना के किसी अलग पर्पज़ से, ठीक है। उसके बाद में ड्रिंकिंग वाटर एरियाज जो है उसको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना, एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर जो है हमने देखा था, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता। तो ये एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आप वापस से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो वेस्ट बंगाल में था, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1948 के अंदर, और ये जो है दामोदर रिवर पे बनी हुई है, और इसको दामोदर जो रिवर है ना उसको सोरो ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन में कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, एज इट इज क्वेश्चन। और उसके बाद में इसके अंदर स्टेट्स आते हैं वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये किसकी जो है किसके प्रोजेक्ट्स हैं।
कौन कौन से जो स्टेट है वो उसके में इंक्लूड है। एक आपको देखना है कि सोर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, इसको हमने देख लिया था कि सोर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं कि इसमें बाढ़ आ जाती है एवरी ईयर्स, जिसकी वजह से आसपास का जो एरिया है वो सारा डूब जाता है, तो काफ़ी जो लोगों को जान माल का नुकसान होता है, मतलब लोग मर भी जाते हैं काफ़ी सारे और उनका जो सामान वगैरह वो भी काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इस वजह से इसको बंगाल का सोरोफ बोलते हैं। मेन जो ऑब्जेक्ट क्या थे इसके, तो इसके जो ऑब्जेक्ट थे स्टफ फ्लड, ठीक है, तो जो ये सोरोफ बंगाल था मतलब यहाँ बाढ़ आ जाती थी, तो इस बाढ़ को रोकने के लिए मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर था उसको उस तरह से स्टोर करके रखना, कंज्यूम करके रखना और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, हाइड्रो पावर जो था हमने पढ़ा था, अलग अलग जो इसके प्लांट बने हुए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो प्लांट बनाए गए हैं, ठीक है, तो बिजली बनाने के लिए जैसे पानी होता है ना उसको स्टोर करके रख लेते हैं यहाँ पे जैसे डैम बना के, और फिर इसके इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है, इसको काफ़ी प्रेशर से ऐसे करके सर्कल साइकिल से कुछ प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अभी ये चैप्टर, अगर इसमें से जैसे क्वेश्चन आता है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है, तो अपन इतना अगर इसमें से बेसिक जो जो चीज़ें हम लिखते हैं, बेसिक जो मैटर हम लिख रहे हैं, इसमें से हमें को जो है अच्छे मार्क्स आराम से इजीली मिल सकते हैं, ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो आप इसको बुक में भी देखना और इसको वापस से देखना। नेक्स्ट जो आगे के प्रोजेक्ट है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, एक साथ फिर सारे मिक्स हो जाएंगे।